हेलो गाइस, मेरा नाम विजय है। तो गाइस, हर किसी को कम में ज्यादा चाहिए होता है, फिर वो हो भले आपकी डेली ग्रोसरी शॉपिंग या फिर आप कोई नया डिवाइस परचेस कर रहे हैं, जैसे कि एक पीसी का एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के चक्कर में कभी कभी ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, जो कि एक बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बिकॉज ये आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह से खराब कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये है मेरे पास में IQ टच लैपटॉप, जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। हालांकि ये ब्रांड बोलता है कि दिस ब्रांड इज बेस्ड इन कैलिफोर्निया, और मैंने आज तक इस ब्रांड के बारे में वैसे सुना नहीं है, तो ये एक जेनेरिक ब्रांड कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि लैपटॉप बहुत ही दिखने में स्लिम है और आपको कुछ अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करा देता है, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है एट अ लो प्राइस, लेकिन ये डिवाइस आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह से खराब कर सकता है। जहां पे आपको मिल जाता है एक बहुत ही बुरा सा कीबोर्ड, तो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अच्छा नहीं होने वाला है। डिस्प्ले बहुत ही यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक TFT पैनल है, जो कि एक बहुत ही लो रेजोल्यूशन और लो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा देगा, और ये सब चीजें कोई देखता भी नहीं है अपना डिवाइस परचेस करते समय। ऑल्सो द प्रोसेसर इज इंटेल सेलेरॉन, और इसकी यहाँ पे दुबई में जो कॉस्ट है वो है 20,000 इंडियन रुपीस। इस लैपटॉप के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये आता है 64 GB की SSD स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे मिल जाती है 4 GB की रैम, विंडोज 10 होम इंटेल HD ग्राफिक्स, जो कि इंटेग्रेटेड है प्रोसेसर के साथ में, और ये आता है कंप्लीट पैकेज के साथ 20,000 इंडियन रुपीज में यहाँ पे दुबई में। बहुत लोग ऐसे ब्रांड्स परचेस कर लेते हैं जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि क्या परचेस करना चाहिए क्या नहीं, एंड देन बाद में सिर्फ रहता है रिग्रेट, बिकॉज इन लैपटॉप्स में यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं मिलता है, एंड देन इट्स नॉट गुड फॉर योर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये डिवाइस अच्छा है? नॉट एट ऑल, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे डिवाइसेस को। तो गाइस, अगर आप एक लो बजट में अच्छा डिवाइस चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी नीड फाइंड आउट कर लीजिए कि आपको लैपटॉप में चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट वो क्या करता है, अपना फाइल्स ब्राउज करेगा, मीडिया प्ले करेगा, एंड सम ऑफिस वर्क लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह। तो यहाँ पे HP, डेल, लेनोवो, इन सारे ब्रांड्स में ही आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने ही अपने चैनल पे एक लैपटॉप रिव्यू करा हुआ है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। वो लैपटॉप सिर्फ 30,000 इंडियन रुपीज में आता है, तो 10,000 ज्यादा पे करके आपको एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल रही है जो कि टच है, एक 128 गीग्स की SSD मिल रही है, ज्यादा रैम मिल रही है। तो यहाँ पे 10,000 बचा के फायदा क्या, जब आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट मिलेगा ब्रांड का, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा उस लैपटॉप में थोड़े से पैसे ज्यादा देके। तो एटलीस्ट आपको ये एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा जो कि आपको ये डिवाइस दे देते हैं, ये जेनेरिक डिवाइसेस दे देते हैं, जहाँ पे आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। तो मेरे ओपिनियन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगा के 10-15-20,000 मत देखो, एक अच्छा लैपटॉप ले लो, इन जेनेरिक ब्रांड्स को हटा दो बिल्कुल साइड में, कूड़े में फेंक दो इनको, फॉर अ बेटर ट्रस्ट। तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या ये जेनेरिक ब्रांड्स, जो जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होता, लेकिन बहुत सारे शॉप्स वाले या फिर ऑनलाइन आप इनको परचेज कर लेते हैं विदाउट इवन हैविंग एन आइडिया अबाउट लैपटॉप डिवाइस, और यहाँ पे फिर आपको एक बुरा सा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ जाता है। तो क्या आप थोड़े से पैसे कम करके ये डिवाइसेस लेना चाहेंगे या फिर थोड़े से ज़्यादा पैसे स्पेंड करके एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहेंगे? तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।